ये भाई पकड़ मेरी सीवी, काम दे मेरे को, देना तो दे वरना चढ़। हाँ भाई क्या हाल है भैया, आपको पाकिस्तान में अक्सर लोग शिकायत करते हुए मिलेंगे जी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, जबकि मैं आपको कई सालों से बोल रहा हूँ लोगों को नौकरियां लेने नहीं आती, नौकरियां बहुत हैं, लोग अपने आप को इक्विप नहीं करते, लोग कुछ सीखते नहीं है, बट डिग्री ले ली यूनिवर्सिटी ने 3.8 4.0 का थप्पा लगा दिया जी, आए जी मेरे घर पे आके मुझे नौकरी दें। नौकरी लेना एक आर्ट है, लोगों को इंटरव्यू में अपेयर होना नहीं आता, सीवी लिखने नहीं आती, अखबार भेज देते हैं 6 हफ्ते 6 पेजेस का, ना ही लोगों को ईमेल लिखने आती, और वो भी आज के दौर में जब चैट जीपीटी को आप 4 लाइनें लिख के दो कि भाई इस टॉपिक पर मुझे फिल्म लिख दे, वो आपको 15 मिनट पूरी फिल्म लिख देता है। उस दौर में ये लोग ईमेल किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, मगर आपको बताना है कि भाई ये डिग्री याफ्ता लोग हैं, इनको ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, फिर लोग आके शिकायत करते हैं, रोते हैं पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, फिर कहते हैं हमें बाहर जाना है, बाहर भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं भाई अगर ये हाल है आपका, बाय द वे मेरे जितने कारोबारी दोस्त हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो कोई प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो किसी और के बिजनेस हो, वो हर वक्त अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं, उनको हर वक्त अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, काम के लोग नहीं मिलते हैं। उसामा साहब जरा इधर है, मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी की हुई, किसी का नाम नजर ना है। अब एक बेसिक तौर तरीका है, अगर मैंने आपको, मैंने पिछले हफ्ते भाई 3 पोस्टें डाली, 3 ओपनिंग्स थी मेरी कंपनी में, तो मैंने लिंक्डइन पे डाला ऐड कि भाई ये 3 चाहिए। अब तरीकाकार क्या है जी, जो ईमेल दिया हुआ है उस पे आप सब्जेक्ट लिखें, नीचे बॉडी में थोड़ा तारुफ करें और सीवी भेजने। अब ये देखें मुझे आई है सोशल मीडिया मैनेजर के लिए ईमेल, ईमेल की बॉडी बिल्कुल खाली, ना कोई सलाम ना कोई दुआ, जी मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, आपका ऐड देखा था तो उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 3 लाइनें, कुछ भी नहीं लिखा, मुंह पे मारी सीवी, ये ले बे पकड़ मेरी सीवी, अटैच कर दी मैंने, मेरे बाप का नौकर है तू सीवी दे, ठीक है। ये अगली ईमेल देखने जरा, इन्होंने भी यही किया, कोई मेल, मेल में की बॉडी में कुछ नहीं, अरे क्लास 5 में सिखाया था सिंधी में, खिदमत लाए जनाब हेडमास्टर साहब, सुबाने मौका लाए छुट्टी लेने की दरखास्त, उसका मकसद ये था कि अपना लेटर राइटिंग फॉर्मेट करना सीखे, स्ट्रक्चर करना सीखे, खाली बॉडी ईमेल भेज रहे कि हाँ भाई पकड़ मेरी सीवी। मतलब ये वही बात हो गई कि कल को अगर मैंने बोला कि जी ऑफिस में आके सीवी देनी है तो आप ऑफिस आओगे सलाम दो करोगे या मुंह पे सीवी मार के चले जाओगे बाहर, ये वही कर रहे हैं। अच्छा एक और देख लें, ये भी खाली, ये देखे इसने प्रॉपर, आप भले एक टेम्पलेट बना के रख लो, एक बार टाइप कर लो, हर बार कंपनी का नाम चेंज करते रहो, डेट चेंज करते रहो, प्रॉपर देखो इसने लिखी भी है, थोड़ा सा अपना खुलासा दिया है जिंदगी का, मेरा भी इंटरेस्ट होगा यार इस बंदे के बारे में जानूं, इसने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा टाइप किया है, लेकिन देखें फिर आ जाए फिर खाली, ये देखें इस तरह किस तरह अच्छा फॉर्मुलेट किया हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये फिर खाली, ये फिर खाली। लोग खुद सीरियस नहीं है नौकरी लेने में, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिक्रूटिंग एजेंट है या हायरिंग मैनेजर है वो इनको सीरियस ले, क्यों लेगा वो आपको सीरियस, आप 2 लाइनें ईमेल की लिखने को तैयार नहीं है, और मैं आपको हायर करूं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जिसने लोगों को जवाब देना है, आप मुझे तो लिख नहीं रहे कुछ, तो मेरे कस्टमर्स को क्या जवाब दोगे। अगर आपको मैं एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर हायर कर रहा हूं जिसका काम ही ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप मुझे ईमेल में कुछ नहीं लिख रहे तो आगे किसको लिखोगे। दूसरा एक और चीज भाई, खुदा के वास्ते अपनी करियर ट्रेजेक्टरी को खुद जाने। एक हमारा आपको पता है क्लोथिंग ब्रांड है ख्याल, उसके लिए मैं चाहता भाई कोई आके रील वील उसकी शूट कर ले, इंस्टाग्राम शूट कर ले, सीवी किसकी आई एयरक्राफ्ट मैकेनिक की। यार खुदा के वास्ते यार आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई मेरी ये ट्रेजेक्टरी है, ये लाइन है, मैंने इस लाइन में रहना है। आज आप जहाज फिक्स कर रहे हो, कल आके यहाँ खवातीन के सूट की रील बनाओगे, अरे भाई कुछ मतलब कुछ सीरियसनेस है आपकी जिंदगी में या बस जो मिला पकड़ लिया, ऐसे नहीं होता भाई, एक लाइन पकड़ो उस लाइन में लगे रहो, वरना इसी तरह आप छलांगे मारते रहोगे जिंदगी भर। एयरक्राफ्ट मैकेनिक का हमने क्या करना है भाई, इसी तरह एक बार मैंने डाला था कैमरामैन के लिए, तो एक अकाउंटेंट साहब आए थे कि मैं सीख लूंगा कैमरा, वह मुझे ले लें, अरे भाई कैसे ले लें यार, तू जहां के हो उस लाइन में देखें, या तो लाइन पहले पकड़े जिंदगी में, पहले डिसाइड करें, कुछ प्लान करते नहीं है, ये वही वाली ना पहले शादी कर ली फिर देखेंगे प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जिंदगी भी इसी तरह गुजारते हैं, मार्केट में आते हैं फिर देखते हैं जी काम कौन सा मिलता है, ऐसे नहीं होता भाई, सीरियसली जिंदगी में अपने आप को। तो भाई नौकरियां बिल्कुल हैं, आप अपने आप को इक्विप नहीं करते, आप बस बैठे हो चौड़े होके जी मैंने डिग्री कर ली बस अब मेरे घर पे आके मुझे नौकरी मिले, ऐसा नहीं होता, हाथ पैर मारने थोड़ी सी अर्जेंसी शो करनी होती है, थोड़ी सी चाह शो करनी होती है कि हाँ यार मुझे चाहिए नौकरी, यार मुंह पे मारी सीवी, ये पकड़ मेरी सीवी, काम दे मेरे को, देना तो दे वरना चढ़ उसमें, ये एटीट्यूड है लोगों का। तो भाई जब आपका ऐसा एटीट्यूड है तो रिक्रूटिंग एजेंट का भी ये एटीट्यूड होगा, वो भी नहीं पड़ेगा आपकी, हल्ली वल्ली करेगा वो आपको, बना नाराज मत होना भाई, मकसद आपको समझाना था, एक प्रीव्यू देना था, जरा अपनी ईमेल फॉर्मेटिंग सीख लें, वरना रोबोट कल को खा जाएगा आपकी नौकरी, फिर जाके रोबोट के खिलाफ प्रेस क्लब में धरने देना, आग लगा देना उसको बस।